हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हाल ही में BMP-2 की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक यूनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी गई है BMP-2 की, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा खुद से डिज़ाइन करी गई है। और ये एक इनहाउस डेवलपमेंट है जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया है। इसमें आपको एक सिंगल लॉन्चर थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देखने को मिल जाएगी, जो कि BMP-2 की फायर पावर को काफ़ी इन्हेंस करेगी। हालांकि जो अपग्रेडेड BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, इसमें हमें सिंगल लॉन्चर थर्ड जनरेशन ATGM देखने को मिलती है, जो कि माना जा रहा है कि भारतीय थल सेना की इनहाउस डिज़ाइन टीम के द्वारा तैयार की गई है। और ये जो मॉडिफिकेशन है, ये व्हीकल की एंटी टैंक कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेगी और बैटल फील्ड में ये एक फॉर्मिडेबल एसेट के तौर पर डिप्लॉय किया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन है ATGM का, ये भी डेवलप किया जा चुका है, जो कि एक ग्रेटर फायर पावर और वर्सेटिलिटी को ऑफर करेगा। और जो ट्विन लॉन्चर सेटअप है, ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हमें देखने को मिली थी 13 मार्च 2024 को, जब आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जहां पर BMP-2 और 2 के व्हीकल्स को अपग्रेड करने की बात की गई थी। और AVNL इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है और इंडिजनस सोल्यूशन के साथ इसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जो सोफिस्टिकेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है और नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज है, ये ऐड की गई हैं। इसमें DRDO और BEL की तरफ से भी जो सहयोग है प्रदान किया जा रहा है। अगर हम की अपग्रेड्स की बात करें तो आपको इसमें नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। खासकर इसमें जो साइटिंग सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और BEL के द्वारा विकसित किया गया है, ये इसकी लो लाइट कंडीशन में फाइटिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेंगे। वहीं अगर हम इसके फायर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ये इसके टारगेटिंग एक्यूरेसी को काफ़ी इम्प्रूव करेगा और जो इंगेजमेंट स्पीड है, इसको भी काफ़ी इन्हेंस करेगा, जो कि BMP-2 को और बेहतर लीथल बना देंगे और ये एक एफिशिएंट फाइटिंग व्हीकल के तौर पर ऑपरेशनल रहेगी। इसके अलावा इसमें सी थ्रू आर्मर कैपेबिलिटी ऐड की गई है और एंटी अनमैन एयर व्हीकल कैपेबिलिटीज़ को भी ऐड किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, इनकी अर्जेंट नीड है और इसके लिए जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, ये इशू भी करी गई है। और इसमें काफ़ी बड़े जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, ये आ चुके हैं, जिनमें लॉकेट मार्टिन अपने C-130J सुपर हरक्यूलस के साथ सामने आया है, एम्ब्रेयर अपने C-390 मिलेनियम के साथ सामने आई है, एयरबस A400M एटलस के साथ सामने आई है। तो वहीं अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इस कॉम्पिटिशन में कूदने की तैयारी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अब वो इंडिजिनस डेवलपमेंट करना चाहते हैं मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भारत में ही, और उनका यह इंटरेस्ट जगह है इंडियन एयरफोर्स की नीड और रिक्वायरमेंट को देख करके। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय इंडियन एयरफोर्स के फाइनल डिसीजन का इंतजार कर रही है, जहां पर वो कार्गो कैरिंग कैपेसिटी जो MTA के लिए होने वाली है, उसको फाइनलाइज करेंगे। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है तो HAL की जो कानपुर डिवीज़न है, इस जिम्मेदारी को काफ़ी गंभीरता के साथ निभाएगी और उनके द्वारा जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं लोकल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि MTA क्लास के एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरी है, ये शुरू कर दी जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि C-295 जैसे जो एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए गए हैं भारत के वायुसेना के द्वारा और ये पार्टनरशिप में बनाए जा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार का एयरक्राफ्ट भी उनके द्वारा बनाया जा सकता है और वो भी इसके लिए जो स्ट्रेटजिक अप्रोच है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, जहाँ पर वो वेल इस्टेब्लिश जो प्लेयर्स हैं उनके साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं और वो डिसकंटिन्यूड या फिर वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो स्टाइल है, इनकी डिज़ाइन की डिमांड कर सकते हैं, ताकि इस प्रोग्राम को और भी फास्ट ट्रैक किया जा सके। हालांकि HAL का कहना है कि ये काम हम और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जहां पर डिज़ाइन भी इंडिजिनस हो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये चाहती है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो एयरक्राफ्ट है उनको तैयार किया जा सके। वो इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है जिनकी मदद से MTA प्रोग्राम को पूरा किया जा सकता है, और उनका ये मानना है कि जो एवियोनिक्स और इंजन हैं, इनको सोर्स करके जो पूरा प्रोग्राम है, इसको काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये भविष्य का प्रोग्राम है और देखना है कि इसका भविष्य क्या होता है। हमारी एक बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना से आ रही है। हम सबको हमने अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया कि भारतीय वायुसेना इस समय अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, इसमें इंडिजिनस मिसाइल को तवज्जो दे रही है, जिसमें अस्त्र सीरीज़ की BVR मिसाइल्स हो गई, रुद्रम सीरीज़ की एंटी रेडिएशन मिसाइल हो गई और भी दूसरी जो मिसाइल हैं इनका नाम सामने आया है। लेकिन अब एक बड़ा एंडेवर हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अपने राफेल और तेजस की फ्लीट में अस्त्र Mark-1 और रुद्रम Mark-1 के इंटीग्रेशन को फास्ट ट्रैक करने के प्रयास में है, और ये दोनों फाइटर प्लेटफॉर्म में ये मिसाइल हमें शीघ्र अतिशीघ्र देखने को मिल सकती है।
रुद्रम 1 की बात करें तो ये भारत की एक नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है और इसका प्रमुख टारगेट एनमी के रेडार सिस्टम या वो सिस्टम जो कि रेडार वेव्स को या रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं ये हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि इसकी मदद से भारत जो एनमी के रेडार सिस्टम और सैम सिस्टम है उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। और एक बार ऑलरेडी इसको लेकर के बातचीत शुरू हो चुकी है और इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से टेस्ट फायर भी किया जा चुका है और अब एक बड़े डिप्लॉयमेंट की तैयारी की जा रही है। रुद्रम 1 को सबसे पहले राफेल फाइटर्स में हम देख पाएंगे जो कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं और ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे एडवांस फाइटर्स भी हैं। और उसके बाद सेम मिसाइल का इंटीग्रेशन हमें तेजस मार्क 1 एक ही फ्लीट में देखने को मिलेगा और इससे उनकी लिथैलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। रुद्रम 1 को इस समय अडानी डिफेंस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और वो एक बड़े प्रोडक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि इंडियन एयरफोर्स की जो अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है इनको लेकर के एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। अब अगर हम की फीचर्स की बात करें रुद्रम 1 की तो इसमें हमें डुअल सीकर का एडवांटेज देखने को मिलता है। जी हाँ, इसमें आपको बेसिकली एक पैसिव होमिंग हेड और मिलीमीटर वेव सीकर देखने को मिलता है जो कि इसके टारगेट एक्विजिशन कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करता है। वहीं ये काफ़ी ज़्यादा मनरेबल भी है और ये डिस्ट्रक्टिव भी है क्योंकि अगर हम बात करें इस मिसाइल की तो इसकी लेंथ 5.2 meters की है, वहीं इसका डायमीटर 315 millimeters का है और ये तकरीबन 600 किलोग्राम वजनी मिसाइल है जो कि 100 से लेकर 150 किलोमीटर की रेंज तक आती है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें प्री फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि तकरीबन 55 किलोग्राम तक के हो सकते हैं जो कि टारगेट में एक बहुत बड़ा पंच देने में सक्षम होंगे। अपने अगले अपडेट में हम बात करने वाले हैं SU-57 फैलन के बारे में। SU-57 फैलन को लेकर के हाल ही में यूक्रेन की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उनके द्वारा ये क्लेम किया गया था कि उन्होंने एक SU-57 फैलन को ग्राउंड में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये सब कुछ एक ड्रोन स्ट्राइक में हुआ था। लेकिन अब यूक्रेनियन एयरफोर्स के कमांडर का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है जहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 से लेकर के 21 जून के बीच में जो SU-57 फैलन है इनके द्वारा रात में स्ट्राइक की गई है और यूक्रेन के कुछ प्रमुख ठिकाने हैं जिनको टारगेट बनाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि इस समय रूस के द्वारा बड़ी संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है या जितने भी अवेलेबल एयरक्राफ्ट हैं इनको वॉर जोन में डिप्लॉय किया गया है। हालांकि ये काफ़ी सेफ डिस्टेंस से अटैक कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनको डिटेक्ट कर पाना यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि इस समय रूस अब अपनी जो फाइनल टैक्टिक है उसको यूज़ कर रहा है जहां पर स्टेल्थ फाइटर का इस्तेमाल करके जो वो यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम है उनको चकमा दे रहा है और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये काफ़ी लो एल्टीट्यूड में उड़ रहे हैं और काफ़ी स्टेल्दी होने के कारण इनको रडार पर डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और आमतौर पर जो स्ट्राइक हो रही हैं वो रात के समय हो रही हैं तो इस चीज़ का भी एडवांटेज रूस को काफ़ी मिल रहा है। आपको बताते चलें कि शुरुआत में वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखते हुए रूस ये नहीं चाहेगा कि ये एयरक्राफ्ट तबाह हो या इनको नुकसान पहुंचे, लेकिन अब रूस इनको इस्तेमाल कर रहा है और जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो भी इसको देख रहे हैं काफ़ी गौर से। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार का सक्सेस रेट इसको मिल रहा है आने वाले भविष्य में जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनका ध्यान ये केंद्रित करवाने में सक्षम होगा। हालांकि रूस की बात करें तो इसका जो मास प्रोडक्शन है इसका शुरू होने की खबरें सामने आई हैं और उनका टारगेट था कि 2026 से 27 तक तकरीबन 76 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट रशियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल होने थे। हालांकि करंट स्टेटस के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन ये जरूर है कि इस समय रूस काफ़ी बड़े जो डेवलपमेंट है वो कर रहा है। आपको बताते चले कि SU-57 वही एयरक्राफ्ट है जिसका ऑफर भारत को भी कई बार दिया गया है और भारत ने खुद को इस प्रोग्राम से 2018 से बाहर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि भारत को SU-57 कंसीडर करना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।